को लेकर हमेशा ही मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली पथरिया से बीएसपी के विधायक रामबाई और बीजेपी आमने सामने आ गए। शनिवार को विधायक सगरून मंदिर पहुंची थी। मंदिर की करीब 160 एकड़ जमीन होने के बाद भी वहां अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होने की वजह से वो बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर जमकर बरसी। नहीं दिग्विजय लगा एसडीएम फोन और कज्जू हम लिखित भेज रहे कज्जू, इस पर कार्रवाई करो, महत्तम कार दूसरे बनाओ। 160 एकड़ की जमीन के आज तक ना तो मंदिर का कोई निर्माण है ना आज तक को ये अनुष्ठान भाव के जन दिख। हाँ हाँ आप राजा भी राह से बता दे। नहीं दिग्विजय हाँ लगा एसडीएम फोन और कज्जू हम लिखित भेज रहे कज्जू, इस पर कार्रवाई करो, महत्तम कार दूसरे बनाओ। 160 एकड़ की जमीन के आज तक ना तो मंदिर का कोई निर्माण है ना आज तक को अनुष्ठान भाव के जन मंदिर के लाने हमने देखी है तो ना तो उसको कोई निर्माण है ना उसमें कोई आज तक जैसो पहले बनो तो सिर्फ उसमें पेंट बस पुतोगा है ना आज तक दे कोई कथा भागवत के यज्ञ के पुराण। देवी जी तो के चर्चा कर रहे कि देवी जी तो गाँव गाँव में घर घर बैठती हैं दुर्गा जी, तो ऐसे कोई निर्माण नहीं भाव मैडम से हमारी बात भई है अध्यक्ष एसडीएम मैडम से के इको महत्तम कार एक पंडित को मनाओ जाए। इधर जिला बीजेपी अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी ने रामबाई पर मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह राजपूत को धमकाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी अपनी औकात पर आई तो रामबाई को बता दिया जाएगा कि बीजेपी और बीजेपी का कार्यकर्ता क्या है। वो चाहती हैं कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा धमका कर और उनको दबाया जा सकता है तो निश्चित ही गलत फहमी में है। भारतीय जनता पार्टी जब अपनी औकात पर आएगी तो उनको भी बता दिया जाएगा कि पार्टी क्या है और पार्टी के कार्यकर्ता से जब यदि उलझोगी तो निश्चित